Hola, slowly, no me estregal, que em choquero hale casaca. Welcome back to the new vlog. तो भाई अभी कुछ सीन ऐसे है कि हमें जाना है सेंट लॉरेंस हाई स्कूल, जहाँ से हम पास आउट हुए हैं 10th, और हमारी स्कूलिंग भी पूरी वहीं से हुई है, नर्सरी टू 10th। तो अभी वहाँ चलते हैं क्योंकि हमारी जो छोटी बहन है वो 10th पास हुए है, तो आज उनको वहाँ पर कॉन्वोकेशन के लिए बुलाया गया, तो वहां पर चलते हैं। कम ऑन लेट्स गो। और साथ में हमारी बेटी को भी लेके जा रहे हैं साथ में बाहर। चलो चलते हैं अपनी वर्णा में कहेंगे करकीन सेट और कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफर की दुआ पढ़ लेना चाहिए हमेशा और फिर निकलना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और धूप का तो मामला बड़ा तेज है भाई, देख रहे हो बाहर कैसी धूप है। और रूम को तो छोड़ के जाना दिल ही नहीं कर रहा है मालूम आपके भाई का, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और बाहर तो अल्लाह ही रहम करे, विदाउट कार तो जा नहीं सकते, ऑन टू व्हीलर गए तो धूप लगने के काम है, तो इसीलिए हम नहीं जा रहे। आप देखिए नीचे आने में इतनी स्वेटिंग हो गई रूम से निकल के आने में, तो फिर वैसे ही रहेंगे तो क्या हाल होगा, अल्लाह रहम करे। बस ये लोग आ जाए, इन लोग को बिठाते हैं और चलते हैं हम लोग फटाफट से सेंट लॉरेंस हाई स्कूल। मैं आप लोगों से कह ही रहा था कि धूप का जिक्र कर रहा था, तो देखो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। अब पता नहीं कब तक बारिश होती है, क्या बस थोड़े ही उसमें ख़त्म हो जाती है, पता नहीं, देखते हैं अभी, क्योंकि बारिश भी ज़रूरी है और मानसून स्टार्ट हो चुका है, पर बारिश का कोई दूर दूर तक अतराफ में भी। तो अभी चलो, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमारे को कार दी, हर एक चीज़ दी, वरना कार नहीं होती, धूप में भी जाना पॉसिबल नहीं होता, फिर बारिश ही स्टार्ट होगी तो वो भी इम्पॉसिबल हो जाता। तो बारिश थोड़ा अभी स्टार्ट हो रही है फास्ट फास्ट, और आयजा की हमारे पहली बारिश है ये बेटी की, तो आज उसको फुल भिगा देंगे बारिश के अंदर। और देख सकते हैं आप अच्छी थोड़ी फास्ट होने लगी है बारिश। अब लॉरेंस में कार अंदर तक लेके जाने दिए तो ठीक है, वरना भीगते हुए जाना पड़ेगा हमें, बड़ी अफसोस की बात है। अरे यहाँ तो हो ही नहीं रही है, रुक गई बारिश। जैसे मैंने कहा था कि बारिश कब तक होती है पता नहीं, तो देखिए यहाँ लॉरेंस पहुँचे पहुँचे तक बीच रास्ते में ही बारिश बंद होगी, और ये सामने आ गया सेंट लॉरेंस हाई स्कूल, और यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी बचपने की। ये रही बिल्डिंग, और हमारी 10th स्टैंडर्ड में इसके बैक साइड वाली बिल्डिंग की क्लास थी। अभी गाड़ी पार्क करते हैं और लॉरेंस में चलते हैं। हमारा स्कूल का प्लेग्राउंड हुआ करता था, जैसे आज भी देखिए बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और ये दूसरे बच्चे यहाँ डांस कर रहे हैं, और यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट था, तो आज भी एक बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पर हम बास्केटबॉल खेला करते थे और वो ग्राउंड पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो भाई हो गया स्कूल से फ्री, अब चलते हैं घर, और अपनी बेटी को पूरे टीचरों से मिला दिया है और बहुत ज़्यादा खुश हुए लोग कि यार तुझे पढ़ाया, अब तेरी बच्ची है हो गई और बड़ी हो रही है, तो वो ही स्कूल में रहेगी या नहीं रहेगी सबका एक ही सवाल था। तो मैंने कहा इंशाल्लाह यही स्कूल में रहेगी, अब देखते हैं, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है कि बेटी हमारी कौन से स्कूल में आती है। आयजू कौन से स्कूल में जाना है आपको, ये स्कूल में जाना है, हाँ निकाल दो, गर्म हो रहा ना बहुत। तो अभी चलो चलते हैं घर, और आपके भाई की हालत देख के बता सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी में परेशान हो जाती है तबीयत। तो ये एक वक्त पे हम यहाँ पर सब मस्ती करते थे जब स्कूल ख़त्म होता था, तो यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स का वेट करते थे जो हमारे साथ में ऑटो में उसमें थे, तो यहाँ पर सब जमा होते थे और यहाँ से बैठकर अपने घर जाते थे। और ये गली की पुरानी आदत है, यहाँ ऐसी ट्रैफिक जाम रहता है बचपन से, यहाँ ऐसी सीन रहता है, तो यहाँ सब झगड़े होना, पूरे डॉन लोग भाई लोग आके यहाँ खड़े होना, अरे इसका भाई आया, वो डॉन आया, ये डॉन आया, वो उसको बुला रहे उधर, मार रहे इधर। और पहले ये फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं थी, ये सब ओपन था, अभी कुछ साल पहले फेंसिंग की गई है, साल दो साल पहले, नहीं तो कुछ भी नहीं था यहाँ। और ये गली का हमेशा ही कंजस्टेड वाला मामला रहा। सोचा है कि हमारी छोटी बहन पास तो हो गई है, अब हमने कोई ट्रीट दी नहीं थी, तो चलो आज ऐसी स्पाइसी ला के उन्हें ट्रीट दे देते, और वो अभी खा रहे हैं पानी पूरी और दही पूरी। तो अभी हम यहाँ पर रुके और घर पर भी थोड़ा पार्सल लेके जाएंगे, और साथ ही साथ हम जाते हैं वहाँ से सामने से हमारे लिए थाली प्लेट लेकर आते हैं, देखते हैं अभी स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। ओके तो अभी हम जाके आते हैं वहाँ से, लेकर पेट की दुकान बंद थी, उसके चलते हैं मोमोज खाने के लिए, वहाँ पर जाएंगे मोमोज खाएंगे,
पहले गाड़ी पे जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो वहाँ बाइक से बारिश फिर से जो है तो स्टार्ट हो गई है बारिश, तूफानी एकदम माशाल्लाह। और अब हम जा रहे हैं स्विमिंग के लिए, तो स्विमिंग के लिए चलते हैं। और ऐसी बारिश में तो बड़ा मज़ा आता है स्विमिंग करने का। और दो दिन के अंदर हमारी क्लास, दो दिन नहीं सॉरी कल लास्ट डे है स्विमिंग का, एक महीना कंप्लीट हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे। तो अभी चलो चलते हैं, अब्बू आ रहे हैं, अब्बू हम सब मिलके चलते हैं स्विमिंग के लिए। तो भाई अब हम पहुंच गए स्विमिंग के लिए, अब हम जाते हैं स्विमिंग को। जब तक आप लोग वेट करिए, हम लोग स्विमिंग करके आते हैं क्योंकि हम गाड़ी में फोन रख के जाते हैं, कैरी नहीं करते, वहाँ पर रिस्की होता है इसके लिए। तो भाई अब स्विमिंग से सीधा निकल के हम पहुंच गए पाशा के ढाबे पे। ये रहा पाशा का ढाबा, और चलते हैं अंदर खाना खाते हैं क्योंकि आज सबका मूड बना था। तो पाशा के ढाबे पे चलो फैमिली का, तो हम लोग सब आ गए, तो अभी वो लोग सब वहाँ जाके बैठ गए, पीछे रह गए थे, अभी जाएंगे हम वहाँ जाके बैठेंगे। तो भाई अब आ गई कंटक्की, पापड़ को फिनिश कर दिया, अब कंटक्की खाएंगे और उसके बाद आएंगे ग्रेवी। तो ख़त्म, फिर फिनिश आज के लिए खाना ख़त्म। दे रहे दो मिनट आयरा को कैरी दे देंगे, कैरी नहीं लाए हुए। तो भाई अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से खाना होगा कम्प्लीट, और अब चलेंगे पहले चाय पी लेंगे फिर चलेंगे घर, गर्म गर्म चाय। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पर लाइट गई भी, ये इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बैठ नहीं सक रहे थे, तो इसके लिए बाहर आके बैठ गए। देखो अबू यहाँ बैठे, हम लोग तो चाय पी रहे हैं, यहाँ पर हम चाय पीते हैं फिर फटाफट चलते हैं, हमें भी जाना है बाहर कुछ काम से।